हाँ जी हेलो। जी हाँ हेलो हाँ जी नमस्कार। मेरी जी बात बाबा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या मेरी बात मगहिया जवान के गौतम सिंह जी से हो रही है? समर सिंह जी से हो रही है? चलिए जी, गौतम बात कर रहा हूँ बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी। चीज बाबा आपसे कहना चाहेंगे हम कि हाँ हाँ जी बाबा मेरा कुछ सवाल होगा आपसे, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और आपकी अगर अनुमति होगी तब रिकॉर्ड करूंगा। जी जी क्या बिल्कुल मैं आपसे कुछ बिल्कुल कर सकते हैं बाबा, कर सकते हैं। तो मैं अगर रिकॉर्ड करूंगा तो इसको सोशल मीडिया पे डालूंगा, हाँ बाबा ठीक, कोई दिक्कत कोई नहीं आपको बाबा, आपत्ति तो नहीं? अच्छा नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं बाबा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भोजपुरी के पुकार में आपको आज हम जोड़ते हैं। और कुछ सवाल है मेरा कि अभी अच्छा लगातार विवाद खड़ा हो रहा है कि आप सबसे बात करते हैं, मगहिया जवान से कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। आखिर अच्छा क्यों, जी जबकि मगहिया जवान खुलेआम गाली गलौज करते हैं लोग, आप सवाल उनसे क्यों नहीं करते हैं? हमने बोला भी कि अगर उनसे फोन से मेरी वार्ता होती है तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा। आप एक चीज जी बताइए कि आज भोजपुरी जी जी मसलिता को लेकर के आप पर भी जो जी सवाल उठ रहे हैं कि आप खुलेआम गाली गलौज करते हैं और धमकाते हैं, जी जहां इस पर आपको क्या कहना तक है? गाली गलौज की बात है बाबा, तो मैं गाली गलौज तो वैसे लोगों को किया हूँ जो हालांकि हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम भी इंसान हैं बाबा और तकलीफ दुख हमें भी होती है जब माँ बहनों के ऊपर कोई बात करता है, माँ बहनों की गालियां देता है। और धमकियां का जहां तक बात है, मैंने कभी तक आज तक किसी को किसी प्रकार का धमकी नहीं दिया। अगर ऐसा किया तो साक्ष अगर किसी के पास है, ऑडियो है हमारा, वीडियो है हमारा, किसी को धमकी दे रहा हूँ तो वो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। हाँ गालियां मैं दिया हूँ, उन्हें दिया हूँ जो हमारे कमेंट बॉक्स में अश्लील कलाकार के कुछ तुच्छ पालतू लोग आते हैं, गालियां देते हैं, मैं भी अपना आपा खोकर दिया हूँ बाबा। अच्छा ये तो हो गया कि आप आपा खोकर दिए हैं, लेकिन एक चीज हमारे हमको इतना बता दीजिए कि अगर जी कोई गाली देता है उसको पलट के अगर हम गाली का जवाब गाली से देते हैं तो कहां तक उचित है? बाबा, वो अब समय तो है नहीं, अब लोग इतना प्यार से मानते हैं तो मुझे भी, मैं आपका भी बहुत सम्मान और आदर्श मानता हूँ, कहीं ना कहीं आपके ही पद कदम चिन्हों पे चल रहा हूँ। और हालांकि आपने जिस प्रकार से मुहिम को निरंतर चलाने का प्रयास किया, आज तक भी चला रहे हैं 10 वर्षों से, तो मुझे लगा कि बताइए, एक हमारे गार्जियन पिता स्वरूप होकर इतना मेहनत गली गली जाकर यहाँ वहाँ जाकर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हमें आना चाहिए। अब लोग अगर प्यार से मानना होता, मैंने मंथन किया बाबा, जी तो आपसे भी मान लिए होते, वो आकर उनको कहना चाहिए था कि नहीं नहीं इतना मेहनत करते हैं हमारे पिताजी की उम्र के होके, बाबा की उम्र के होके, फिर भी नहीं लगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ बैठल भैंस फगुराए, वही वाला दशा वो लोग समझ लिए। हाँ मैं गाली नहीं, कड़वा शब्दों का प्रयोग करता हूँ, बोलता हूँ यही कि जो तुम कर रहे हो, या तुम्हारी माँ बहन सुनेगी, घर में बेटी जवान है, माँ जवान होगी, बहन जवान होगी, तो कैसा लगेगा। और जहां तक हमारी भी शिकायत रहती है बाबा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे भी एपिसोड को तो तुम्हारी माँ बहन नहीं देखेगी। अरे भैया मैं तो रिस्ट्रिक्टेड करता हूँ, मैं माँ बहनों को मना करता हूँ, जो भी कनेक्टेड रहते हैं हम उनको मना कर देते हैं कमेंट करने के लिए। हम एपिसोड डीजे में बजाने के लिए, बर्थडे पार्टी में बजाने के लिए थोड़े, हम तो जागरूक करने के लिए लोगों को बनाते बताते हैं। जी नहीं, हम एक चीज आपको यहाँ ब्रेक करेंगे हम, क्योंकि इसलिए ब्रेक करेंगे, अगला कुछ भी करता है तो समाज में वैसे शब्द हम नहीं परोसेंगे जिस शब्दों से समाज आहत हो या उंगली उठे। बात समझिए, हम लोग की लड़ाई जागीर से नहीं है, हम लोग की लड़ाई किसी से घर मकान से नहीं है, बिल्कुल जमीन जायदाद बिल्कुल से नहीं नहीं है। अगला बिल्कुल नहीं बिल्कुल अगर नहीं गंदा करता है तो मेरा काम है समझाना। देखिए मैं 2010 में जब शुरुआत किया था तो मुझे नहीं लगता था कि जी मुकाम पर पहुंचेगा, और जी जी इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा नहीं आने के बाबा बाद। नहीं, सब सौभाग्य है हमारा कि आप एक अपने परिवार में हमको स्थान दे रहे हैं। हाँ कुछ लहजा के कारण शिकायतें मिलती होगी, इसका स्वीकार करता हूँ मैं। लहजा ही नहीं, कुछ और ऐसा जैसे आप किसी के नामों का नामकरण करते हैं जो मुझे नगवार लगता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने बाबा। देखिए क्या है ना कि कुछ कलाकार हैं जो कहते हैं कि हम ट्रेडमार्क ले लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम परमिशन ले लिए हैं, तो बाबा हमको 20 लाख लगा के अपने परिवार को बर्बाद और सड़ाना नहीं ना है, काहे हम नाम लेंगे, तो हमको तो वहां मजबूरी रहता है। मैंने आज तक पे इंटरव्यू दिया, मैंने News18 पे दिया, सब पे मैं बताया कि मजबूरी है हमारा उपनाम लेना कुछ कलाकारों का। अब एक कलाकार ट्रेडमार्क करवाए हुए, भोजपुरी के इतने बड़े बड़े कलाकार इतने पैसे वाले हैं कि सब ट्रेडमार्क करवा के रखे होंगे, तो उस डर से मैं लेता हूँ सबका उपनाम, चलिए और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। अच्छा चलिए ये तो हो गया।
लेकिन उपनाम के पीछे जैसे आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कोठा पुत्र, ये उपनाम कैसे हुआ हमको ये बताइए। बताता हूँ आपको जी। जैसे जिस व्यक्ति का नाम मैंने कोठा पुत्र रखा जी, उस व्यक्ति ने मुझे आधी रात को फोन करके मेरी माँ बहनों की गालियाँ दिया जी। तो माँ बहनों की गालियाँ नहीं देके उसको मैं उपनाम रख दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया भाई। गालियाँ को अगेंस्ट में तो मैंने, अब जो समझे मैं उसका नागंवार समझता हूँ उसका नाम लेना, मैं उसी नाम से पुकारना चाहता हूँ, पूरा बिहार जानता है कि क्यों मैं उसका नाम रखा हूँ। मुझे रातों को गालियाँ दे, उससे पहले मैं उसको नहीं बोलता था, जिस दिन से गालियाँ दिया उसने उसको मैं उपनाम रख दिया। उसने अगर गाली दिया तो उसका संस्कार खराब है, अगर जो भी गाली देता है उसका संस्कार खराब, अगर वो गलत करता है, वो गंदगी फैलाता है, तो क्या हम भी गंदगी फैलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं फैलाएंगे। आप तो क्या है बाबा की अब सभ्यता का बिल्कुल ही पाठ होना चाहिए हर किसी के जीवन में, हर किसी के घर में, हर किसी के संस्कार में। मैं संस्कारी टाइप से भी बात करता हूँ उन संस्कारी कलाकारों से जो लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कार उनके संगीत में है, उनके जेहन में है। जो संस्कारी है, जो मर्यादित भाषा समझता ही नहीं है, तो कभी ना कभी अपने रूप में भी लाना पड़ता है। कभी कभी क्या, एक कहावत है बाबा कि चलो कीचड़ में कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, यानी लोहा उसे तो लोहा को काटा जा सकता है ना, वही काम हम करते हैं। नहीं ठीक है, आपने कहा कि लोहा सुलहा काटते हैं, लेकिन मेरे मेरे मेरा मानना ये है कि अगर वो गलत है तो हम गलत क्यों होंगे? देखिए लगातार मैं यही करता हूं, आज जहां तक भोजपुरी को अगर जो भी कोई भी हो अगर सुपरस्टार कहता हो और उसके गीतों से समाज आहत अगर होता हो तो कतई सुपरस्टार नहीं है, मैं नहीं मानता। समझिएगा, मैं लगातार सबसे जिससे भी इंटरव्यू लिया उसको सुपरस्टार मानता ही नहीं, जिसके गीतों से जिसके बातों से समाज आहत होता हो। तो मैं आपसे भी भाई के नाते आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपकी बात से समाज आहत होता है तो कहीं ना कहीं गलत है। मैं बोल चुका हूँ बाबा, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ कि अब तो मैं अपने जो गार्जियन स्वरूप हमारे बाबा हैं उनके ही कदम चिन्हों पर चलूंगा, लेकिन उसमें भी मैं देखूंगा समय जी। उसमें भी मैं निश्चित नहीं कहूंगा कि हाँ, जब लगेगा कि सीमा लांग रहे हो हम भी सीमा लांघेंगे, क्योंकि तुमको मतलब जब सभ्यता पसंद नहीं है तो भैया हम तो उसी भाषा में समझाएंगे ना जिस भाषा में तुमको अच्छा लगे। हमको दुख तब हुआ कि 10 से 50 वर्ष एक 55 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हमारे पिता समान घर घर जाकर, गली गली जाकर, सड़क मोहल्ले रोड खेत बधारी सब जगह जाकर, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपकी बातों से बाबा इन लोग मान लेता, जरा भी लगता इनको कि नहीं एक परेशान व्यक्ति क्यों है इतना जा कर, क्यों संदेश, इनका संदेश के पीछे का राज क्या है, तो हम प्रकट ही नहीं होते ना। हम तो कहते हैं कि आजादी के समय गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह भी थे, तो भैया हम भगत सिंह वाले बिरादरी में आते हैं। चलिए इस बात को मान लेते हैं, लेकिन एक चीज और आपको बताएंगे, अगर फर्क नहीं पड़ता, 2010 से मैं इसकी शुरुआत किया था, अगर शायद अश्लीलता का फर्क पड़ा तभी जनता जागरूक हुई, उस जनते में हम भी हैं, उस जनता में आप भी हैं। आज बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ, फर्क बहुत पड़ा था, अगर नहीं पड़ता तो आवाज कहाँ से उठता, लोगों के जीवन में जाता ही नहीं, कारण कि ये दिन गाने गीत गाने वाले कलाकार फलते फूलते रहते, किसी को पता नहीं चलता। जब हमने उठाया तो एक मुद्दा आया कि अश्लील है तभी, लेकिन मैं एक और बता दे रहा हूँ, आज जो भी सुधार दिख रहा है आप बता दे रहे हैं, हम उसमें मैं धन्यवाद देता हूँ उन श्रोता समाज को। आवाज कट रहा है बाबा, आवाज कट रहा है जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आवाज कट रही है या मिल रही है? हाँ आप सही है, उसमें धन्यवाद इतना सुनाया था जी जी। मैं उस श्रोता समाज को धन्यवाद देता हूँ जो खुलेआम समर्थन करते हैं हम लोगों का, खुलेआम खड़े हैं हम लोगों के साथ और उन कलाकारों का विरोध करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से, हम लोग अकेले कुछ नहीं करते। जब जनता जाग गई, जनता को लगा कि नहीं हमको छला जा रहा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जिला के नाम पर, कभी सार ससुर के नाम पर, कभी जीजा के नाम पर, इतना ही नहीं देवी देवताओं के गीतों के नाम पर, जब जनता जान गई ये लोग छलने वाले हैं, ये लोग सीना में तीर चलाने वाले हैं, लोगों ने खुल के समर्थन किया। उन लोगों के जज्बे को सलाम, मेरा नमस्कार प्रणाम, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं बाबा, कहीं ना कहीं अगर कोई जागा है, मैं भी आया हूँ तो आपको देखकर ही आया हूँ, इसको मैं भी एग्रीड करता हूँ। हाँ लेकिन सब लोग नहीं समझे आपकी मानसिकता को,
आपके मुहिम को, आपके कदम को। हाँ समझे, आपके उस दौर के उस कलाकार शब घर से आने वाले भरत शर्मा जी ने आपके मुहिम को समझा, मदन राय जी ने समझा, विष्णु ओझा जी ने समझा, देवी समझी, कल्पना समझी, ये सब कलाकार समझे, पर आज करके कलयुगी कलाकार समझे कहाँ बाबा, कहाँ समझे। आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा बस एक ही सवाल आपसे बस रहेगा, एक आग्रह भी रहेगा, एक विनती भी रहेगा कि अगर कोई जल्लाद है तो हम लोग, अगर कोई कसाई है तो हम लोग कसाई की तरफ पेश नहीं आएंगे। मान लीजिए कि अपने कोई भी अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता हो या गलत गीतों का इस्तेमाल करता हो तो हम लोग सभ्यता पूर्वक अलग जगाएंगे और वैसे कलाकारों का घुटना टेकवाएंगे हम सभी। तो मैंने तो कफन मान लिया, मैंने तो हम दोनों भाइयों ने कफन मान लिया है कि माँ बहनों के मान सम्मान के लिए गीतों के जरिए जो अपमानित किया जाता है, जहाँ तक जाना पड़े कानून व्यवस्था, इन लोगों को ट्रॉल, जिस प्रकार की कदम उठाया जाए हम लोग उठाएंगे और बंद करके रहेंगे। हम लोगों ने भी शपथ ले लिया। एक ही और कहेंगे कि आज एक सुझाव है मेरा, कोई भी एकदम बाबा, कोई भी उप नाम नहीं, जो भी गलत करेगा डंका पे, डंका के चोट पर नाम लेके हम लोग बोलेंगे, उप नाम नहीं, किसी को गाली नहीं देंगे जी, हम लोग जो भी हमें तो हमें हमसे तो बात आए करवा लेंगे आप, मैं तो मान जाऊंगा, मुझे तो पता है, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया न्यूज 18 के पे जो राष्ट्रीय चैनल जी, लेकिन जो हमारा उपनाम रखता है उसका क्या है, वो कैसे मानेगा बाबा। देखिए अगर हमें भी तरह तरह के उपनाम रखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि उपनाम रखे हैं लोग, हम लोग कानून का सहारा लेंगे, हम लोग डायरेक्ट विरोध करेंगे, हम लोग का विरोध में शालीनता रहेगा, नहीं जल्लाद और मानों में अंतर क्या रहेगा। मैं पूछता हूँ, बिल्कुल मैं आपके शर्त को मंजूर करता हूँ बाबा, पर मेरा भी एक आपसे निवेदन और आग्रह यही रहेगा कि मैं आपके बातों को 3 महीने तक एकदम एज अ बाउंड, एज अ वॉयस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग सुनेंगे, मैं इतना वादा करूंगा 3 महीनों तक इन लोग की हर एक मनमानी को मैं बर्दाश्त करूंगा, फिर अपने पुराने अंदाज में आएंगे, जैसे इन लोग भाषे को समझते हैं, जैसे बिलबिलाते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर है जिनको इंडस्ट्री बोलने नहीं आता, भोजपुरी नहीं बोलने आता, वो अपने को पत्रकार कह रहे हैं, बात समझिएगा जी, पत्रकार जी, वही है, पत्रकार समाज के लिए आईना होता है, देश के लिए चौथा स्तंभ होता है, लेकिन इन तुच्छ राइटरों ने जिनको बोलने की औकात नहीं है, जिनको सीखने की लोग तो बाबा दो दो माइक लेके सबसे बड़ा अगर कोई बर्बाद हो, कोई मन बढ़ाया है ना, प्रमोटरों का, लेखकों का, मैनेजरों का, कौन जानता था बाबा, कौन मुझे बताइए ना आप, मुझे भरत शर्मा जी का प्रमोटर और राइटर का नाम आप बताइए, आप तो उनके दौर के नहीं, है ना, आपको बता रहे हैं, बढ़िया है, प्रमोशन दे, इसके लिए हम खुश हैं, लेकिन जो गलत न्यूज है, बाहर कुछ अंदर कुछ, एक बहुत खराब बात है कि बाहर थंबनेल कुछ रहता है और अंदर कुछ रहता है। अब किसी पत्रकार का न्यूज में ये आए कि फलाना की रेलाई, तो हमको लगता है उसका कहीं ना कहीं संस्कार खराब है, तभी रेलाई की बात आती है। रेलाई शब्द हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन कोई पत्रकार इस तरह का लिख ही नहीं सकता, जिसके संस्कार खराब है वही लिख सकता है। कारण कि कहां से न्यूज में आ गया कि फलानों की रेलाई, ये क्या शब्द होता है। लेकिन सवाल यह है कि उनको ज्ञान नहीं है, बौद्धिक का ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, इतना ही नहीं है। नहीं, भोजपुरी के विरोध के साथ साथ वैसे लोगों का भी मैं विरोध करता हूँ, उस प्रकार का लोगों का, मैं जैसा, मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं तो भैया सीधा सी सवाल है बाबा कि मैं गलत का विरोध करता हूँ, चाहे गलत करने वाला पत्रकार हो या फिर कलाकार हो, दोनों में कार लगा हुआ है, मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ, ये कौन से पत्रकारिता होता है भैया, ये खाना खा रहा है वो भी दिखा रहा है, तो अगला आदमी गाली गा रहा है, उसे कभी सवाल तुम नहीं किया कि काहे तुम गाने को चुराए हो, काहे चुरा लिए गाने को, लेकिन उनको तो बाइट चाहिए ना, उनको बाइट चाहिए, मौका मिल गया, अगर उनसे कुछ सवाल कर देंगे तो अगली बार तो बाइट देगा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझना होगा बिहार के पूरे जनता को, यूपी के जनता को, सारे लोगों को समझना पड़ेगा इन लोगों की मानसिकता, तो कौन व्यू से बातों के लिए आवाज उठाया है। बिल्कुल, अगर मैं जो भी यूट्यूबर मेरी बात को सुनेंगे या जो भी फेसबुकर सुनेंगे, मैं एक चीज आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि सब लोग बोल रहे थे कि आप मगहिया जवान से सवाल नहीं करते हैं, तो मैं मगहिया जवान से खुलेआम सवाल किया। मैं एक बात और कहूंगा,
कि मगहिया जवान आखिर मगहिया जवान को आवाज उठाना क्यों पड़ा। मगहिया जवान का गाली गलौज गलत है, मैं भी मगहिया जवान के गाली गलौज का सीधे सीधे बहिष्कार करता हूं, लेकिन आज मगहिया जवान को बोलने का मौका किसने दिया? ये जनता को सोचना होगा, भोजपुरी समाज को सोचना होगा, जगना होगा। कारण अगर रास्ता नहीं मिला होता तो शायद आज अनंत कुमार तिवारी को बोलने का मौका नहीं मिलता, शायद मगहिया जवान को बोलने का मौका नहीं मिलता, या किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं तमाम राइटर तमाम कलाकारों से कहता हूं कि अगर कहीं आप मौका देते हैं किसी का बोलने का तो ये आपके ऊपर ही जाएगा। कारण क्या है? बिल्कुल 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 बाबा, कारण क्या है कि अगर आप मौका नहीं देते तो किसी को बोलने का नहीं मौका मिलता। हाँ ये बात जरूर है, गाली गलौज को मैं विरोध करता हूँ, आज भी किया हूँ, डायरेक्ट देखे कि इनसे भी मैं सुनहरा वचन, सुनहरा वचन आज मैं एक आपके आज इस ऑडियो के जरिए मैं सबको देता हूँ। सुनहरा वचन है, वादा है हमारा, और हम वही कहते हैं जो करते हैं, बाद में अन्यथा नहीं, जो कर सके वो कहते ही नहीं हम। अगर कलाकार 3 महीने तक 2 महीने तक कम से कम 2 महीने तक कोई माँ बहन बेटी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जातिगत गाना नहीं गाकर दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, मैं खुलेआम प्रमोशन करने का काम करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं तमाम लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी इस वॉयस को सुन रहे हो, कृपया अगर विरोध भी करता है तो विरोध में भी शालीनता झलकनी चाहिए, संस्कार झलकनी चाहिए, सभ्यता झलकनी चाहिए। अगर ये नहीं झलकता है तो कहीं ना कहीं आपके संस्कार का दोष है, आपके परवरिश का दोष है। ऐसा न करें, कारण इस समाज में बिखराव पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, और जो भी कलाकार जातिवाद जिलावाद सारवाद ससुरवाद भरती बात करते हो, कृपया चेत जाए, सजग हो जाए। आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने पुराने रास्ते पर वापस आ जाइए अच्छे गीतों के साथ, नहीं तो हर पल विरोध जारी रहेगा। पहले एक नंद कुमार तिवारी एक मगहिया जवान करते थे, अब हर घर से नंद कुमार तिवारी मगहिया जवान निकलेंगे, लेकिन सभ्यता के साथ शालीनता के साथ, न कि गाली के साथ। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। मैं तमाम लोगों से कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और मगहिया जवान से भी आग्रह करता हूँ, आगे के शब्दों में गाली गलौज नहीं, हम लोग सभ्यता शालीनता के साथ करेंगे। आपके 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 दिए गए आदेश का मैं निरंतर पालन किया हूँ और करूंगा, बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, उस समाज के लोगों से कहता हूँ कि अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कानून के दायरे में तो आएंगे ही, खुल के नंद कुमार तिवारी विरोध करेंगे, अगली कड़ी में रहेंगे। इसलिए गाली गलौज नहीं करें। अगर आप किसी का भी विरोध करते हो तो उसमें तर्कयुक्त होना चाहिए, उसमें तर्क होना चाहिए, बिना तर्क का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन विरोध में भी शालीनता होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्री गौतम सिंह जी को, तमाम भोजपुरी समाज के उन लोगों को जो साथ दिए हैं, आप निरंतर साथ देते रहे जो भी गलत गाएगा। आपको भी हमारा दंडवत बाबा प्रणाम जी, बहुत बहुत दंडवत। जो भी गलत गाएगा उसका विरोध खुलेआम जारी रहेगा, चाहे वो कोई हो। मैं बताता हूँ, स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि विरोध कभी बंद नहीं होगा, कारवा कभी बंद नहीं होगा, ये निरंतर चलता रहेगा। इससे सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, चेत जाइए। साजिश के तहत हमें रोक लेंगे, साजिश के तहत आपको रोक लेंगे, लेकिन जो जाग गया है लाखों में सैकड़ों में जनता, उसे कैसे रोक पाएंगे? वो तो मगहिया जवान और नंद कुमार तिवारी बन के तो आएंगे ही ना। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो कुछ धन्यवाद, कुछ प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।